नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। जैसे ही चुनाव करीब आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां अपना हथकंडा शुरू कर देती हैं, अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर देती हैं। राज्यसभा चुनावों की तैयारी हो रही है तो यहां राजस्थान में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो यहां जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, तो इससे बचाने के लिए बेड़ाबंदी कर दी जाती है, यानी उन्हें होम अरेस्ट कर दिया जाता है एक तरह से। तो राजस्थान में बीजेपी भी यही कर रही है और जीतने की लगातार कवायदें जारी हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ पर अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिए हैं और बीजेपी का पैंतरा बीजेपी के साथ खेल दिया है। मैं आपको बता दूं कि बूंदी जिले की केशव राय पाटन सीट है, वहाँ की एमएलए है चंद्रकांता मेघवाल। तो उन्हें पुलिस ने एक नोटिस भेजा है। अब नोटिस किस बात को लेकर है, हम वह भी आपको बताएंगे। पुलिस ने नोटिस उनके घर पर चिपका दिया है ला करके और कहा है कि थाने में आकर मुलाकात करें। और यह मुलाकात जो होनी है, इसके बारे में यह बताया जा रहा है कि जैसे ही चंद्रकांता मेघवाल थाने जाएंगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यह कहा जा रहा है। फिर जब वोट जो पड़ने हैं उसमें कमी आएगी। तो कांग्रेस ने यहाँ एक बहुत ही बड़ा हथकंडा, जिसे बोलते हैं बहुत ही बड़ा षड्यंत्र तैयार किया है। तो वहाँ पर पुलिस ने कई बार फ़ोन भी करा चंद्रकांता मेघवाल को, वह फ़ोन नहीं उठा पाई। कहा जा रहा है कि बेड़ाबंदी जो की गई है वह उसमें है, इसलिए वह नहीं आ सकती है। और लेकिन पुलिस ने कहा है कि आपको आना होगा। तो मसला क्या है, आखिर किस बात को लेकर नोटिस भेजा है, मैं आपको बताता हूँ। 20 फरवरी 2017 की घटना है कोटा जिले की रामगंज मंडी से। जब वह एमएलए थी, वसुंधरा राजे सरकार थी, तो वहाँ पर एक दुकानदार है जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसका चालान कट जाता है। चालान कटने के बाद थाने में ये एमएलए और इनके पति जाते हैं, अब जिनका नाम नरेंद्र मेघवाल है, और काफ़ी पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की होने लगती है, बहस हो जाती है। इस बहस के चलते थाना अधिकारी को नरेंद्र मेघवाल थप्पड़ मार देते हैं। एक बहुत ही निंदनीय घटना है ये, पुलिस वाले को थप्पड़ मार देना। लेकिन थप्पड़ इसलिए मार दिया कि आप उस समय की सत्ताधारी पार्टी की विधायक थीं, वह आपके पति हैं, इसलिए थप्पड़ मार दिया। अब ये थप्पड़ की घटना 2017 की है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही चुनाव करीब आए तो पुलिस ने उनको नोटिस भेज दिया और इस नोटिस में यह कहा जा रहा है कि जैसे ही चंद्रकांता मेघवाल थाने जाती हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी कि वह वोट देने से वंचित हो सकती हैं। तो यहाँ कांग्रेस ने एक बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर बनाया है और भाजपा को घेरने के लिए। आखिर जब नोटिस भेजा गया है तो जहां बेड़ाबंदी की गई है, क्या वहां पुलिस जाएगी? पुलिस जाकर वहां से गिरफ्तार करेगी चंद्रकांता मेघवाल को या नहीं करेगी, यह एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन देखने वाली बात हो यह होगी कि क्या कांग्रेस अपने षड्यंत्र में सफल होगी या फिर भाजपा इस चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।